जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का ये सातवां वीडियो है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन नॉर्मल फॉर्म का पहला वीडियो है, यानी कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। तो पहले हम पैराबोला उठाए हैं, उसके बाद हम एलिप्स और हाइपरबोला को सेंट्रल कोनिक के नाम पर उठाएंगे। कुछ शुरू करने से पहले इंटरमीडिएट में पढ़ी हुई इन बातों को आपके सामने हम रखना चाहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप ये पढ़े हुए हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, तो हम 4a की जगह l लिख दिए, बहुत चेंज नहीं किया हमने, ठीक इसी के अकॉर्डिंग ये डेटा चेंज हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, फोकस a जीरो होता है, 4a की जगह l लिया है तो a l बाई फोर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस l बाई फोर, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम l, एक्सिस x एक्सिस है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू जीरो, टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, कौन है y एक्सिस जिसका इक्वेशन x इक्वल टू जीरो होगा, एंड द पॉइंट विच मस्ट बी नोटेड हियर, द लाइन्स x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, द लाइन x इक्वल टू जीरो माने दिस इज लाइन, y इक्वल टू जीरो माने दिस लाइन, द लाइन्स x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो मीन्स द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एंड आर इन नॉर्मल फॉर्म। अब लाइन्स का जो इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में हो, ये चीज़ थोड़ा सा अब हम पीछे चलते हैं। हाई स्कूल में 2D ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है यही आपने पढ़ा हुआ है, वेयर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन। तो अब इस चीज़ को हम आपको और इलेबोरेट करके बता रहे हैं कि जनरल इक्वेशन दिया हो तो उसको नॉर्मल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। एक्स का कोफिशियंट ए है, वाई का कोफिशियंट बी है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ए की जगह हो गया ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, प्लस बी की जगह बी अपान दिस इंटू वाई इक्वल टू माइनस सी दिस। ये रेडिकल का साइन है ना, करणी का चिन्ह, इसके पहले प्लस माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस या माइनस ये सोच के लेंगे कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन है। तो इस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा लिख दिया, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन अल्फा लिख दिया, तो आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जब निकालोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का ये दूसरा रूप है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, जहाँ x लिखा था वहाँ x माइनस अल्फा है, जहाँ y लिखा था इसमें वहाँ y माइनस बीटा है। इंटरमीडिएट पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस तरह की होती थी कि ऐसा एक पैराबोला लिखा है तो उसके ये डेटा आप बताइए, वर्टेक्स बताइए, फोकस बताइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए, एक्सिस का इक्वेशन बताइए, टेंजेंट एट वर्टेक्स बताइए, ये सब था। इसीलिए क्या करते थे हम, एक्स माइनस अल्फा की जगह हम कैपिटल एक्स लिख लेते थे और वाई माइनस बीटा की जगह कैपिटल वाई लिख लेते थे, तो ये फॉर्म आ गया। अब इसको हम रफ कापी पे कच्चा कार्य कर लेते थे, एक कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस खींचा और उसमें इस पैराबोला को हमने बना लिया, किस आधार पर बना लिया, इस आधार पर बना लिया ये, और फिर इससे हम डेटा निकालेंगे। डेटा कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, यही तो वर्टेक्स है ना, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दोनों जीरो होगा। कैपिटल एक्स जीरो होने का मतलब एक्स माइनस अल्फा जीरो होना, कैपिटल वाई जीरो होने का मतलब वाई माइनस बीटा जीरो होना, तो एक्स स्मॉल एक्स बराबर अल्फा स्मॉल वाई बराबर बीटा, इस तरीके से वर्टेक्स अल्फा बीटा मिल जाता था। ऐसे ही फोकस क्या होगा, फोकस होगा कैपिटल एक्स इक्वल टू एल बाई फोर कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, ये लिखा है। अब ये सभी स्मॉल एक्स वाई थे ना, वहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गया, तो कैपिटल एक्स माने ये एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू एल बाई फोर, तो एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस एल बाई फोर एंड वाई इक्वल टू बीटा। ऐसे ही सारे डेटा इसी तरह से निकल लेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम में कन्वर्ट करके ये पूरा निकल जाता है। इसमें भी देखो एक्सिस का इक्वेशन है वाई इक्वल टू बीटा, टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू अल्फा, ये दोनों लाइंस हैं, क्लियरली दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर,
एंड आर इन नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म में लाइंस हैं। नॉर्मल फॉर्म में चेक करने का क्या तरीका है कि एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर इक्वल टू वन होना चाहिए। तो इस लाइन के इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट वन है, वाई का कोफिशियंट जीरो है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वन ही तो आएगा, वही हाल इसमें भी है। अब परपेंडिकुलर की ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए, टू लाइन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इक्वल्स टू जीरो। और ये कंडीशन निकलती कैसे है, इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, दोनों का गुणा करके माइनस वन के बराबर कर दो, एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन, तो एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन, देखो करके दिखाते हैं आपको, ये कोने में इसका एम वन कितना आएगा, माइनस ए वन अपान बी वन, माइनस ए वन अपान बी वन इंटू इसका एम टू कितना आएगा, माइनस ए टू अपान बी टू, माइनस ए टू अपान बी टू इक्वल्स टू माइनस वन, तो ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया, ए वन ए टू इक्वल टू उधर जाकर हो जाएगा माइनस बी वन बी टू, इसको इधर कर दीजिए तो ये कंडीशन आ गई। तो मैं समझता हूँ इंटरमीडिएट में पढ़ी हुई इन सभी बातों को आप के दिमाग में सब आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पैराबोला के इक्वेशन अगर कोई दिया हुआ है जनरल फॉर्म में तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन इज दिस। तो इसकी दो परिस्थितियाँ आपके सामने मिलेंगी, वो दोनों परिस्थितियाँ मैं वन बाई वन बताऊँगा, क्योंकि टाइम टेकिंग वर्क है, ये टास्क है, इसलिए मैं दो वीडियो खर्च करूँगा, एक टाइप इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, एक टाइप अगले वीडियो में बता दूँगा। ये प्लेलिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मैंने शुरू में ही पहले वीडियो में ही बोला था कि काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट है और मैं इत्मीनान से पढ़ाऊँगा भी, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर कुछ छूट जाए तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने से। अब हेडिंग में डाल रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑब्लिक कैनोनिकल फॉर्म किसका, इक्वेशन का, वो सब पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, एक बार हो गया बता दिया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन नॉर्मल फॉर्म दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन कैनोनिकल फॉर्म, तो कुछ इस टाइप की चीज़ आपको मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा नंबर वन। अब इसमें दो टाइप मिलेगा, एक टाइप की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ, दूसरे वीडियो फिर मैं यहीं से शुरू करूँगा और यहाँ ए लाइन लिख करके बी लिखूँगा। इफ द लाइन्स If the lines ax plus by equals to 0 and alpha x plus beta y plus gamma equals to 0 are perpendicular, then we normalize, वही normal form में लाना मतलब normalize करना। अब normalize में ise भी लिखते हैं, ize भी लिखते हैं, दोनों spelling सही है। We normalize द इक्वेशन वन एज, ऐसे नॉर्मलाइज करते हैं, इसको आप गौर से देखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस लाइन को नॉर्मलाइज करना होगा तो क्या करेंगे, वी डिवाइड दिस बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा करने से फ़र्क कितने का पड़ गया उसको यहाँ पे लिख करके बैलेंस करिए, ये होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या लिख दें, हम यहाँ पे हम लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर आइए, इक्वल्स टू थोड़ी जगह छोड़ के अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस प्रोसेस को कहते हैं इक्वेशन को नॉर्मलाइज करना, इंप्लाइज दैट ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहा। और इसको सुविधा के लिए मैं से लिख देंगे, दैट इज कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स, जिसकी जगह पे जो लिखा गया वही हो गया। तो यही नॉर्मल फॉर्म है, इसी को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये इक्वेशन है पैराबोला का, इस इक्वेशन का ये नॉर्मल फॉर्म है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आपको जो भी चीज़ निकालना हो आप निकाल लीजिए। जैसे इंटर में आप करते थे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम बनाते थे हम, कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस ओरिजिन, और ऐसे पैराबोला खींच लेते थे। ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, इतनी ही दूर इधर, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फटाफट सब लिखिए, जैसे कि वर्टेक्स का क्या लिखेंगे आप, इसका कोऑर्डिनेट इस सिस्टम में क्या होगा, कैपिटल एक्स इज जीरो कैपिटल वाई इज जीरो, कैपिटल एक्स इज जीरो माने दिस क्वांटिटी इज जीरो, कैपिटल वाई इज जीरो माने दिस क्वांटिटी इज जीरो। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा बराबर जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो आ जाएगा, उनको हल कर लेंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसी तरह से सारे डेटा जो अभी हम बता रहे थे आपको इसके पहले जो बिटा दिया वो सब निकलता चल जाएगा। अब हम सीधा न्यूमेरिकल पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन के नाम पर हम बता रहे हैं। पैराबोला के क्वेश्चन जनरल फॉर्म में दिया रहेगा, उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। इलस्ट्रेशन वन, टू रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इन नॉर्मल फॉर्म, और इक्वेशन कौन सा है, वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस वन अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। ये थोड़ा काम भारी है, अगर आप कहें तो हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म इकट्ठे लिख लें, नहीं चलो कोई बात नहीं। तो इसी को दोबारा न लिख करके हम इसी को मान ले रहे हैं कि यहीं से स्टार्ट किया हमने, और फिर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेंगे तो आएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस, और फिर वो चला जाएगा उधर, यानी कि यहाँ पर आएगा दिस इंटू दिस, एक्स माइनस वाई प्लस ए इंटू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ए। ठीक है ना, सही किया गलत किया, एक्स माइनस वाई प्लस ए इंटू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ए, प्लस यहाँ पर आएगा दिस इंटू दिस, एक्स प्लस वाई माइनस ए इंटू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ए, प्लस यहाँ पर आएगा दिस इंटू दिस, एक्स प्लस वाई माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। अब इस प्रोडक्ट में नाइन टर्म्स 27 टर्म्स आएंगे, आप बिखेर लो, बिखेर के फिर उसको सजा लो। थोड़ा सा हम आपसे लिबर्टी चाह रहे हैं, ये आप करके देख लीजिएगा, मैंने करके देख लिया है। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस टू ए वाई माइनस ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए, कॉमन ले लिया ब्रैकेट बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू, चेक कर ले
बिल्कुल ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। तो जैसा कि लिखे थे हम लोग ना, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू इक्वल टू जीरो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो सीधे हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। तो है ना परपेंडिकुलर, सिंस, या इसे लिखिए क्लियरली, द लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई माइनस ए बाई टू इक्वल टू जीरो आर परपेंडिकुलर है कि नहीं, बोलिए परपेंडिकुलर, क्योंकि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज इक्वल टू जीरो, वन इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू वन। नॉर्मलाइजिंग, सीधा सीधा नॉर्मलाइज कर देते हैं, नॉर्मलाइजिंग इक्वेशन टू वी हैव, चलो नॉर्मलाइज करें, एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, माने वन प्लस वन माने टू, ये रहा, और बैलेंस कैसे होगा, यहाँ टू लिख दें, इक्वल्स टू टू ए, थोड़ी जगह छोड़ के, एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू अपॉन अंडर रूट टू, तो यहाँ गुणा कर दें अंडर रूट टू से, इस टू हाँ इक्वल्स टू जीरो, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो बन गया एक्स माइनस वाई अपॉन रूट टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट टू इन टू एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू अपॉन रूट टू नंबर थ्री, दैट इज कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू एल इन टू कैपिटल एक्स, यही है नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन नंबर थ्री ही नॉर्मल फॉर्म है, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू अपॉन रूट टू, कैपिटल वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन रूट टू, एल इक्वल टू ए रूट टू बाई, बस 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 बस, एल इक्वल टू ए हाँ ए रूट टू, ये रहा। तो नॉर्मल फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दिया, अब अगर आपको सब डेटा निकालना है, वर्टेक्स कहाँ है, फोकस कहाँ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, तो ये सब आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ, मैं कुछ एक बार निकाल के दिखा दे रहा हूँ। फिर हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम कहीं रफ पे कच्चा कार्य कर लेते हैं, और ये पैराबोला ऐसे बना लिया, ये फोकस हो गया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एल बाई फोर जीरो, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस एल बाई फोर, ये वर्टेक्स हो गया। अब हम लिख लीजिए, ये सब इंटर में आप इस तरह काम करते थे, लेकिन ये जो बता रहे आपको नॉर्मलाइज करना और ये सब, वहाँ ऑलरेडी ऐसा रहता ही था, इस टेस्ट के इस जायके के क्वेश्चन वहाँ दिए रहते थे, यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी बीएससी में बढ़ा दी गई है बस। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना था, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हमने कर दिया, ये अलग से बस थोड़ा आपको और चीज़ें बता रहे हैं, नोट लगा दे रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन तो ही समाप्त हो गया, नोट लगा दे रहे हैं। नंबर एक, वर्टेक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो माने एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू, एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो माने एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए बाई टू एंड वाई इक्वल टू एक्स, तो दोनों बराबर हैं, दोनों का जोड़ इतना है, तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए बाई फोर, देयर फोर ए बाई फोर इज द वर्टेक्स, समझ गया ना क्या सब है चकलस। नंबर टू, फोकस कैपिटल एक्स इक्वल टू एल बाई फोर,
कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज कैपिटल एक्स माने एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू अपॉन रूट टू इक्वल टू एल बाई फोर। एल कितना है भाई, एल बाई फोर बराबर हो जाएगा ए रूट टू अपॉन फोर, ए रूट टू अपॉन फोर इक्वल टू ए अपॉन टू रूट टू। तो ये रूट टू नीचे कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू ए बाई टू, सही है इसको। और एक तो लिखना ही छोड़ दिए, होए होए होए, ये तो केवल एक्स लिखा ना हमने, कामा वाई इक्वल टू जीरो माने एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू ए बाई टू कामा वाई इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए बाई टू प्लस ए बाई टू ए और वाई इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट दोनों ए बाई टू आ गए, एक्स इक्वल टू ए बाई टू वाई इक्वल टू ए बाई टू। देयरफोर ए बाई टू कामा ए बाई टू इज द फोकस, और नहीं मैं निकाल रहा हूँ, बस इतना समझाया आपको ईटीसी। इसी तरह से जो चाहे वो निकाल लीजिए आप, ठीक। एक इलस्ट्रेशन और देखें, इलस्ट्रेशन टू, टू रिड्यूस द इक्वेशन, द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला टू द कैनोनिकल फॉर्म, इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी होल स्क्वायर। ये पिछले वाले एग्जाम्पल के मुकाबले काफ़ी हेवी है। पहले तो हम दिए हुए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसा सेट करेंगे कि एक तरफ दो डिग्री का टर्म आ जाए और एक तरफ एक डिग्री का टर्म रहे। वो चीज़ मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा टाइम बचाने के लिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। होल स्क्वायर दाहिनी तरफ है तो खोल नहीं पाएंगे उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई माइनस टू ए बी स्क्वायर एक्स माइनस टू ए स्क्वायर बी वाई हो गया। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, थोड़ा आपको मेहनत करनी है। मैं सीधा सीधा लिखा हुआ हूँ, उसी से देख के लिख दे रहा हूँ। इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू ए बी स्क्वायर एक्स माइनस टू ए स्क्वायर बी वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू ए बी कॉमन ले लिए ब्रैकेट में आ गया बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बाई टू। तो इसे ही आप इक्वेशन नंबर वन कहिए। जो भी इक्वेशन दिया है उसको इस रूप में पहले हम सेट कर लें कि एक तरफ
होल स्क्वायर आ जाए किसी लीनियर एक्सप्रेशन का, और एक तरफ वन डिग्री के टर्म्स हों। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे, फिर लिखिए क्लियरली द लाइन्स ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो आर परपेंडिकुलर। देखो ए इंटू बी और माइनस बी इंटू ए, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बराबर जीरो, आर परपेंडिकुलर। बस अब इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, हो गया। अगले वीडियो में हम टाइप बी पढ़ाएंगे कि जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर ना हो तो कैसे फिर क्या करते हैं। नॉर्मलाइजिंग इक्वेशन वन वी हैव ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। बैलेंस कैसे होगा, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देना, होल स्क्वायर कट जाएगा। इक्वल्स टू माइनस टू ए बी, थोड़ी जगह छोड़ के बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बाई टू अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख दें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लें आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम मिटाएंगे। इससे डिवाइड कर दिया जाए, इंप्लाइज दैट ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, जब ये इसके नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, इंटू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बाई टू और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही नॉर्मल फॉर्म है, यही नॉर्मल फॉर्म हो गया काम, फिट नॉर्मल फॉर्म। इसी को हम लिख देते हैं ऐसे, दैट इज कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू एल कैपिटल एक्स माइनस एल कैपिटल एक्स माइनस एल कैपिटल एक्स। ये जहाँ पर कैपिटल एक्स क्या है, एल क्या है, कैपिटल वाई क्या है, सब आपको दिख रहा है। इंटरमीडिएट में इस तरह के काम आप खूब किए हुए, लेकिन वहाँ पे ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है ये सब का लफड़ा नहीं था। वहाँ इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करके दिए रहते थे कि सब परपेंडिकुलर ही रहता था। तो आपको याद है ना कि माइनस कैपिटल एक्स एक्सिस की ओर मुंह खुलेगा इसका, याद है कि नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, इसका चित्र कैसे बनाते थे, फिगर माइनस एक्स एक्सिस की ओर मुंह खुलता थे ऐसे, ये ऐसे बनाते थे। तो वही सब बना करके अपना फिर स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, तो वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक करिए, थैंक यू। ये बातचीत जारी रहेगी। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जब ये दो लाइंस जिनके परपेंडिकुलर होने की चर्चा की गई है, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो इसको कैसे परपेंडिकुलर बनाएंगे। थैंक यू।